हमने अभी तक, प्लीज लुक एट मी, मार्केट में दो मार्केट्स की डिटेल करी थी। नीचे नोट्स में देखना, मेरे तक ध्यान देना। मार्केट में हमने दो मार्केट की नेचर फीचर प्रैक्टिस कर लिया है, एक परफेक्ट कंपटीशन काउंटलेस और एक ओलिगोपोली लास्ट क्लास में। यस सर नो सर, परफेक्ट काउंटलेस और ओलिगोपोली 3-20। यस सर, नीचे नहीं देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे, जल्दी उत्तर। परफेक्ट कंपटीशन काउंटलेस, ओलिगोपोली फ्यू, 3-20। नोटिंग मना भी, तो टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। आप मुझे समझाओगे, आप सचिन सर, मैं स्टूडेंट, जल्दी उत्तर, जल्दी। लुक एट मी, सब बच्चे रेडी, फेस टू फेस ऑनलाइन, फेल नहीं होगे, हिंट मैं दूंगा। स्टार्ट, सिर्फ टाइम है 10 मिनट, 5 मिनट परफेक्ट, 5 मिनट ओलिगोपोली, देन आजची क्लास स्टार्ट और मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक। रेडी, कंप्यूटर ऑन। पेप्सी बेचने वाले काउंटलेस, मैगी बेचने वाले काउंटलेस, पेप्सी बेचने वाले काउंटलेस, मैगी बेचने वाले काउंटलेस। तो ये कोचिंग सेंटर क्या कोच, एक मिनट, एग्जैक्टली काउंटलेस, क्या कोचिंग सेंटर में एक प्लेयर है, दो है, 3-20 है, लाइसेंस है, परफेक्ट कंपटीशन काउंटलेस, नो लाइसेंस, राइट, रट्टा नहीं। कोचिंग में एक है, दो ना, 3-20 काउंटलेस, ठीक है जी। ऑनलाइन रेडी, फेस टू फेस रेडी। तो 14 पॉइंट थे। स्टार्ट, पेप्सी बेचने वाले, मैगी बेचने वाले कितने है बेटा? पेप्सी बेचने वाले, मैगी बेचने वाले काउंटलेस, प्लीज काउंटलेस। उनका सामान कैसा होता है, होमोजीनियस या जल्दी गुलाटी भाई ने फेल नहीं होना। पेप्सी बेचने वाले काउंटलेस, खरीदने वाले काउंटलेस, और पूरे इंडिया में पेप्सी होमोजीनियस आइडेंटिकल सेम, भूल गया, पूरे इंडिया में पेप्सी होमोजीनियस आइडेंटिकल सेम, वही कलर, वही टेस्ट, वही फ्लेवर, वही फ्लेवर, दो गए। एंट्री एग्जिट, शाबाश शाबाश मेरे बच्चा, काउंटलेस काउंटलेस, सामान सेम सेम सेम, वही कलर, वही टेस्ट, वही फ्लेवर। एंट्री एग्जिट, वेरी गुड अग्रवाल भाई, वेरी गुड। एंट्री एग्जिट, ना आने का लाइसेंस, ना जाने का लाइसेंस, फ्री। प्राइस कैसा होता है, यूनिफॉर्म, दिमाग में पेप्सी, मैगी, रटाना ही। दोबारा एक मिनट, बेचने वाले, खरीदने वाले, पहला सामान कैसा है, होमोजीनियस आइडेंटिकल सेम, ऑनलाइन में सब अच्छे दबा देंगे, और होमोजीनियस आइडेंटिकल सेम। एंट्री एग्जिट, आना फ्री, जाना फ्री। प्राइस यूनिफॉर्म, ऑलमोस्ट सेम, पेप्सी वही 90 रुपए, 80 रुपीज, 85, ऑलमोस्ट सेम। परफेक्ट नॉलेज किस किस को होती है, सेलर एंड बायर। सिमरजीत वेरी गुड, नॉलेज किस किस को होती है, सेलर को भी, सेलर को भी, बायर को भी, बेसिक। एफओपी टू फुल फॉर्म, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एफओपी फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल इन्वेस्टमेंट वर्क। एफओपी फैक्टर प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल इन्वेस्टमेंट वर्क। तो एफओपी में कोई रोक टोक होती है या फ्री मोबाइल, फ्री मोबिलिटी? लैंड खरीदने बेचने रोक टोक है, मनोज भाई के जाने में रोक टोक है, पैसे में, ओनर में, फ्री मोबिलिटी, फ्री मोबिलिटी। चार की वैल्यू बराबर होता है पी डी डी ए आर एम आर, हाँ जी ना जी, चार की वैल्यू बराबर होता है पी डी डी ए आर एम आर, पी डी डी ए आर एम आर। एक को क्या बोलते हैं, फार्म इंडस्ट्री, शाबाश मेरे पुत्र, एक ग्रुप इंडस्ट्री, एक ग्रुप इंडस्ट्री, प्राइस मेकर, प्राइस टेकर। अच्छा, एडुविला फॉर्म वो इंडस्ट्री हुई, फॉर्म रिलायंस इंडस्ट्री, फॉर्म एक 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 की बात हो रही है ना, टाटा एक, तेरे बापू की फॉर्म, इसके बापू की फॉर्म इंडस्ट्री। प्राइस टेकर, प्राइस मेकर,
प्राइस टेकर प्राइस मेकर। सर बार बार ना बोली सर, और टेस्ट और उसके बाद क्लास करनी अच्छी, जो बच्चे छुट्टी पे हमको हैप्पी बर्थडे करना। हाँ वही तो, बर्थडे तो सेंटा का ना। चल ठीक है, नहीं उसके बाद एग्जांपल ग्राफ नीचे मत देख, मेरे को याद है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो बायर पे होती है, सेलर पे कंपनी पे, याद है ये जो पेप्सी बेचने आता है, मैगी बेचने आता है, वो जो सेलमैन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बायर पे, सेलर पे, कंपनी पे, कंपनी तो ना बायर पे है ना सेलर पे, कंपनी पे है। नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, नो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आग नहीं लगती। मिथ, कुछ फीचर गलत है। मिथ भ्रम, कुछ फीचर गलत है, कुछ फीचर गलत है। रेडी रेडी, अभी लिखेंगे 5 मिनट के बाद। थैंक यू भाई। शॉर्ट पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस कुछ भी, लॉन्ग में नॉर्मल प्रॉफिट प्रूव करना है। शॉर्ट पीरियड में नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस कुछ भी, लॉन्ग में नॉर्मल होगा प्रूव करना है। रेडी, सिर्फ 1 मिनट है। पेप्सी बेचने वाले जल्दी, पेप्सी बेचने वाले, खरीदने वाले सामान होमोजीनियस आइडेंटिकल सेम, जल्दी करना, गुलाटी भाई फेल होगा। होमोजीनियस आइडेंटिकल सेम, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, फ्री। प्राइस यूनिफॉर्म, प्राइस यूनिफॉर्म, ऑलमोस्ट सेम। बेसिक नॉलेज टू सेलर बायर, शाबाश मेरे चीते। बेसिक नॉलेज टू सेलर बायर, एफओपी मोबाइल, इमोबाइल मोबाइल, एफओपी मोबाइल मोबिलिटी, लैंड लेबर कैपिटल, ओनर को रोक टोक नहीं है, जहां मर्जी आ जाए मोबिलिटी। चार की वैल्यू बराबर होते पीडीडी एआर एम आर, शाबाश मेरे बच्चा, चार की वैल्यू बराबर होती है पीडीडी एआर एम आर, पीडीडी एआर एम आर, पीडीडी एआर एम आर। फॉर्म मेकर टेकर, फॉर्म टेकर इंडस्ट्री, थैंक यू, फॉर्म टेकर इंडस्ट्री टेकर। एग्जाम्पल ग्राफ, शॉर्ट पीरियड में नॉर्मल एबनॉर्मल, शॉर्ट पीरियड में नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग पीरियड में, शॉर्ट पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, लॉन्ग में नॉर्मल प्रूव करना है। मिथ, कुछ विशेषता गलत है। नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है बायर सेलर कंपनी कंपनी। चलो जी थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, देखना ही तो नहीं है, टेस्ट हो रहा ना पुत्र। आइए जी, अब जो कल कर रहा था ओलिगोपोली, कल कर रहा था ओलिगोपोली, चोपड़ा जी मेरे को देखना है। फ्यू पेप्सी वाले बनाने वाले, कार बनाने वाले, सिम बनाने वाले, बैंक, 8 पॉइंट फिर आज की क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू अग्रवाल। ये जो सिम वाले हैं, सिम फ्यू काउंटलेस 1 2 ते कस्टमर काउंटर, जवाब देना भाई 8 पॉइंट। बेचने वाले फ्यू, 3 से 20 समझाने के लिए पेपर में फ्यू होगा, 3 से 20 समझाने के लिए पेपर में कहो फ्यू फ्यू, तो तुम लोग काम करो। अच्छा वो क्या था, एक दूसरे को जवाब देते हैं, इंटरडिपेंडेंस, शाबाश तुमने हिंदी दिमाग में रखी है, मजा आ नजर ना लगे। इंटरडिपेंडेंस क्या बोलते हैं, एड एड, स्कीम स्कीम, ऑफर ऑफर, बताया था ना, एक ही ऑफर आएगा बाकी चुप हो देंगे, इंटरडिपेंडेंस। बेचने वाले फ्यू, तुम काउंटर्स, एक दूसरे को जवाब देते हैं, इंटरडिपेंडेंस। सुमित ऑनलाइन क्लास में में था, ये स्पाइडरमैन देख रहा था, तभी तो जवाब नहीं दे रहा।
तेरे पिछली रो में मैं बैठा हुआ था फ्यू काउंटलेस और जो जवाब देते हैं इंटरडिपेंडेंस क्या था भाई इंटरडिपेंडेंस सारे ऑनलाइन वाले बोलेंगे इंटरडिपेंडेंस मेरी स्कीम आपकी स्कीम ऑफर ऑफर इंटरडिपेंडेंस तीसरा वो क्या था ये मिलके ऋण बढ़ाते हैं कार्टल शाबाश वंचित उत्तर क्या होता था कार्टल मिलके ऋण बढ़ाते हैं कार्टल एक नहीं कार्टल और रेट बढ़ाते हैं आप सर देखो अगर एक ने सिम महंगी करी सब महंगा कर देता है कार्टल आज क्रिसमस अब आपको न्यू ईयर तक सारी फ्लाइट महंगी मिलेगी कार्टल CARTEL कार्टल शेयर करूंगा घबरा मत ये कंपटीशन कैसे करता है प्राइस नॉन प्राइस ये कंपटीशन कैसे करता है प्राइस के अलावा गारंटी वारंटी ऑफ द सर्विस ग्राफ कैसे होता है इनका किंगड कैसा किंगड इस मार्केट में आना मुश्किल है बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसमें आना मुश्किल है बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ह्यूज एड रेडी फिर क्लास स्टार्ट करेंगे बेचने वाले खरीदने वाले काउंटलेस फ्यू काउंटलेस एक दूसरे को जवाब देते हैं बोलो इंटरडिपेंडेंस एड्स की ऑफर इंटरडिपेंडेंस अच्छा आज एक शोरूम ने लगाई मैरी क्रिसमस तो नहीं बाकी नहीं लगाएगा इंटरडिपेंडेंस ये मिलके रेट बढ़ाते हैं कार्टल क्या बोलते हैं ये सारे दूध वाले एयरलाइंस सिम महंगी कर दी गुलाटी भाई ने बोलता देख लेना जनवरी फर्स्ट वीक में ब्रॉडबैंड महंगा होगा कार्टल देख ले तू भी यहां मैं भी यहां कंपटीशन प्राइस नॉन प्राइस कंपटीशन कैसे करते हैं प्राइस के अलावा गारंटी वारंटी आफ्टर सेल सर्विस है ना बेटा ह्यूज एड सबसे ज्यादा एड ये करते हैं मेकर भी सेलर भी ग्राफ कैसा होता है किंगड कैसा होता है किंगड इस मार्केट में आना मुश्किल है रीजन रीजन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट हर किसी के बस की बात नहीं है अच्छा वो रह गया हाँ स्टिकी प्राइस रिजिड स्टिकी प्राइस रिजिड प्राइस स्टिकी रिजिड बार बार रेट चेंज नहीं करते अगर बार बार रेट चेंज करें नया मेन्यू कार्ड प्रिंटिंग बताया था ना क्या बार बार रेट चेंज करता KFC मैकडी पता लगे बढ़ाए 2 रुपए खर्चा हो गया 20 रुपए स्टिकी प्राइस रिजिड प्राइस स्टिकी रिजिड चलिए क्लास शुरू होती है अब ये फटाफट मैंने गो थ्रू करवा दिया मैं पास हो गया परफेक्ट ओलिगोपॉली अब हम करेंगे मोनोपॉली क्या सुन मोनोपॉली 10 मिनट में याद फिर 10 मिनट में टेपना जी सुन मोनोपॉली रेडी पॉइंट काउंट करेंगे ठीक है पॉइंट काउंट करेंगे काउंट करते हैं मोनोपॉली में बेचने वाला वन खरीदने वाले काउंटर है ना फिर वही मैं ओवरव्यू देता हूं जवाब आप ही देते हो बेचने वाला दिल्ली जल बोर्ड मेट्रो रेल मुझे लगा जेल रेल इंडियन रेलवे एक खरीदने वाले काउंटर ठीक है बेटा नेक्स्ट ये बात हुई थी ये अगर मैं एक ही प्लेयर हूं तो मैं किसी नए बंदे को मार्केट में आने दूंगा मैं गुंडागर्दी से नहीं लीगल तरीके से सर आज मैं भाषण दे रहा है और उसमें आपके लिए मेरे लिए ट्रम्प कार्ड कैसे निकले बताऊंगा बेटा जी ट्रम्प कार्ड लक्ष्मी माता मेहरबान नहीं की जिंदगी भर बताऊंगा एक बेचने वाला खरीदने वाले काउंटर दूसरी बात हो रही थी कि अगर मैं अकेला हूं तो मैं नए बंदे को नहीं आने दूंगा क्योंकि मेरी मोनोपॉली डिस्टर्ब अभी मैं अकेला कमा रहा हूं किंग हूं तू आ जाएगा मेरे आधे कस्टमर आधी इनकम तो मैं तेरे को रोकूंगा लीगल तरीके से गुंडागर्दी से नहीं पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क लाइसेंस कुछ बात हुई थी
ट्रेडमार्क लाइसेंस पेटेंट मेरे पास, तू आगे देखा कुछ तरीके तो रोकने के दो गए। तीसरा याद करियो, सब्स्टिट्यूट होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते। इस मार्केट में जतिन भाई सब्स्टिट्यूट होते हैं, क्लोज नहीं होते। कहने का मतलब है दूर के ऑप्शन होते हैं, क्लोज ऑप्शन नहीं होते। दूर के ऑप्शन होते हैं, क्लोज ऑप्शन नहीं होते। सब्स्टिट्यूट क्लोज सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट क्लोज सब्स्टिट्यूट, दूर के ऑप्शन होते हैं, पास के ऑप्शन नहीं होते। तीन, अच्छा चल तुम बताओगे, चौथा, तीन हो गए। और जब अकेला बंदा है तो कैसे कमाएगा, नॉर्मल एबनॉर्मल बता दें। जब कल्ला कल्ला बंदा है मार्केट तो किस तरह कमाएगा, एबनॉर्मल। कैसे कमाएगा, एबनॉर्मल, शॉर्ट पीरियड में भी, लॉन्ग पीरियड में, अकेला सारे आओ, एबनॉर्मल। नेक्स्ट, क्या एक बंदे को ऐड करने की आवश्यकता है, नहीं। एक बंदे को ऐड करने की नीड है, ऐड करे ना करे सारा माल बिक रहा है। तुमने कभी ऐड देखी है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीना, और किसका पियेंगे, दिल्ली मेट्रो में बैठना, नहीं तो बिरला वाले बैठेंगे, हम सेक्शन नंबर की मेट्रो में बैठेंगे ना सर। ऐड और सुन सुन सुन, जो ये इसको बहन इंफॉर्मेशन बोलते हैं ऐड नहीं, कि आप लोग टोकन यूज करो, टोकन यूज करो, और सॉरी कार्ड यूज करो, टोकन नहीं, कार्ड यूज करो, टोकन नहीं, टाइम बचता है। रेल वाले बोलते हैं टाइम टेबल बदल गया, ऑनलाइन टिकट खरीदो, दलाल से मत खरीदो, दलाल टाउट्स, टी ओ यू टी एस, जो दलाल होते बीच में कमीशन पाते हैं उनको बोलते हैं टाउट्स, टी ओ यू टी एस। कहीं जाओ ना गवर्नमेंट ऑफिस में लिखा होता है बीवेयर ऑफ टाउट्स, प्लीज एक वर्ड सुनाते हैं टाउट्स, टी ओ यू टी एस, दलाल। तो बहन ये इंफॉर्मेशन क्या है, टाइम टेबल चेंज हो गया, कार्ड यूज करो, दलाल से मत खरीदो, इंफॉर्मेशन। ऐड थोड़ा है, ऐड तो हम करते हैं, उधर मत जाइयो, हमारा ऐड मिलाओ, अच्छे टीचर अच्छा रिजल्ट, ऐड। दूसरे से अपने पे खींचना ही होती ऐड, ऐड ये ऐड करने की लोड ही नहीं है, एक ही हैगा, ऐड करे ना करे। कितने हो गए, चार, पांच, सदा दे। नेक्स्ट, एक बंदा है तो फर्म भी वही, इंडस्ट्री भी वही, फर्म भी वही, इंडस्ट्री भी, तो नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। कल्ला कल्ला है ना तू, कल्ला कल्ला पुत्र, तभी तो शैतान। फर्म भी वही, इंडस्ट्री भी वही। बहन ये खुद प्राइस डिसाइड करता है, खुद मेकर, मोनोपोलिस्ट, आराम से, मोनोपोलिस्टिक नहीं, मोनोपोलिस्ट, मोनोपोली का मालिक, मोनोपोलिस्ट। वंशिका मैं 12th में कंफ्यूज होता रहा बहन, टीचर ने बताया था, मैं सोचता था, अपना बता रहा हूं, मैं कन्फेस कर रहा हूं, मैं सोचता था मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्टिक एक बात है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्ट मालिक, ओके, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, कोई लाइसेंस वाली, ते मोनोपोली का मालिक मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट, मोनोपोली का मालिक। ये देख, ये मोनोपोली का मालिक, मोनोपोली का मालिक, मेकर। ध्यान नहीं होगी मार्केट 20 से ऊपर लाइसेंस वाली, मिक्स मत करियो, ओके उत्तर, ओके ऑनलाइन, ओके फेस टू फेस। मोनोपोली का मालिक, मोनोपोली का मालिक, मोनोपोलिस्ट, ठीक है। और पटेल साहब ये 20 से ऊपर लाइसेंस मोनोपोलिस्ट, ठीक है। तो यहां बात हो रही है इसकी, मोनोपोलिस्ट, ठीक है, मेकर। नेक्स्ट, ऐड नहीं करेगा, अब नॉर्मल कमाएगा। अच्छा फिर नेक्स्ट आप बताओगे, जब मैं अकेला हूं, सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मेरे एफओपी कोई लेके जाएगा, हिंट मैं देता हूं, जवाब तुम देते हो। मैं अकेला अकेला, मेरे कोई एफओपी लेके जाएगा, मेरे लैंड, मेरा लेबर, मेरा कैपिटल, मेरा ओनर, कोई लेके जाएगा? तो नो मोबिलिटी ऑफ एफओपी, मोबिलिटी मूवमेंट, नो मोबिलिटी ऑफ एफओपी। भाई मेरी लैंड को लेके जाएगा, मेरा लेबर, मेरा पैसा, मेरा ओनर, सामने आई नहीं, एफओपी की मोबिलिटी नहीं है,
नेक्स्ट, इस मार्केट में तीन बराबर होते हैं, देख राशि, प्राइस, डिमांड, एआर, एमआर नहीं, प्राइस डिमांड एआर, प्राइस डिमांड एआर तीन बराबर होते हैं, एमआर नहीं। शुरू होगा इस मार्केट में, मैंने बताया तीन बराबर होते हैं, पी डी डी ए आर, पी डी डी ए आर, एम आर नहीं, अलग होता है, वो बराबर नहीं होता। नेक्स्ट, प्राइस डिमांड, बेटा लिखा दूंगा, प्राइस डिमांड ए आर बराबर है, एम आर अलग है, ये तीन पॉजिटिव, एम आर नेगेटिव, जब ये हटेगा चित्र बनाऊंगा बराबर पूरा प्रूव होगा। नेक्स्ट, इतनी सारी नॉलेज सेलर बायर को नहीं हो सकती, इम्परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट इम्परफेक्ट, आई एम इम्परफेक्ट। चल तू ही जवाब दे, तू बता सकता है, तेरे टिप्स हो सकता है, पूरी दिल्ली में जो मेट्रो चलती है उसका टाइम टेबल, पूरी दिल्ली में जो मेट्रो चलती है उसका टाइम टेबल टिप्स हो सकता है ना, हो सकता है, तू क्या गूगल है, गूगल है, इतनी सारी मेट्रो, इतनी सारी रेल का टाइम टेबल तेरे टिप्स पे, रेल मिनिस्टर के, तो ना सैलर को पता ना बायर को पता, लिमिटेड नॉलेज नहीं होती, इम्परफेक्ट। एग्जाम्पल ग्राफ, चल बताइयो फिर टिपेंगे, रुक, रजिस्टर्ड कर, जल्दी रजिस्टर्ड कर, हाँ हाँ लिखना पड़ेगा, तेज से सुन सुन के लिखूंगा, क्यों लिखेगा, एक राइटर बनवा ले मेरे लिखने के लिए, हेडिंग डाल मोनोबॉली, हेडिंग डाल मोनोबॉली, डाल ली बेटा मोनोबॉली, ब्रैकेट में मोनोपॉली हेड डाली, मोनोपॉली ब्रैकेट में, इंडियन रेलवे, कॉमा डीएमआरसी, डीएमआरसी इंडियन रेलवे, कॉमा डीएमआरसी, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, मुझे जवाब देना, बेचने वाले, बेचने वाले वन, आराम से बैठा, बेचने वाले, खरीदने वाले, पक्का दिमाग में रेल, बेचने वाले वन, तुम काउंटर लिख, सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, काउंटलेस बायर्स, सिंगल सेलर, काउंटलेस बायर्स, सेकंड, नो नो और वेरी डिफिकल्ट एंट्री, नो नो और वेरी डिफिकल्ट एंट्री, नो या तो आने देगा, और वेरी डिफिकल्ट एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म इन द मार्केट, ब्रैकेट में लिख, कैसे रोकेगा, कॉपीराइट, ब्रैकेट में कैसे रोकेगा, हर्षिका बेटा, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नहीं गुडविल नहीं, कुछ भी तो लिखने चाचू बता रहा हूं ना,
पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। एक लाइन छोड़ दियो, एक लाइन छोड़ दियो, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, एक लाइन छोड़ दे, पॉइंट वही है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। नेक्स्ट लाइन में नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, सब्स्टिट्यूट होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, सब्स्टिट्यूट होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। बताऊंगा ना चाचू, सब्स्टिट्यूट होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। शांति, कितने पॉइंट हो गए? तीन। फोर्थ, नो डिफरेंस बिटवीन, नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, नो मोबिलिटी ऑफ एफओपी, नो मोबिलिटी ऑफ एफओपी, नो मोबिलिटी ऑफ एफओपी। नेक्स्ट, नो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, नो एडवर्टाइजिंग एडी वी आर टी आई एस आई एन जी ब्रैकेट में नो सेलिंग कॉस्ट, नो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट, नो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, इम्परफेक्ट आई एम इम्परफेक्ट नॉलेज, इम्परफेक्ट नॉलेज टू बायर एंड सेलर, इम्परफेक्ट नॉलेज टू बायर एंड सेलर। नेक्स्ट, पी इज इक्वल टू डी डी इज इक्वल टू ए आर, प्राइस ए आर और डिमांड ये इक्वल होते हैं, एम आर अलग होता है, नेगेटिव होता है। लिख ले बेटा, ये लिखना बच्चा, प्राइस ए आर डिमांड बराबर होते हैं, पॉजिटिव, एम आर अलग होता है, नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस की वैल्यू ए आर की वैल्यू डिमांड की वैल्यू से एम आर अलग, नेक्स्ट शॉर्ट रन कॉमा लॉन्ग रन, शॉर्ट रन कॉमा लॉन्ग रन इज इक्वल टू, कोई कैसे कमाएगा? हाँ जी, शाबाश, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, शाबाश बेटा। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करता है। मैंने कल एग्जांपल दिए थे, एक बंदा भेदभाव करता है, हो जाओ नाराज, हो गए खाना, हो गए, लिखो ब्रैकेट में एग्जांपल, कौन भेदभाव करता है? जू, जू बताया था, जू में टिकट आपके अलग है, फॉरनर के अलग है, ताजमहल, ताजमहल आपकी टिकट अलग है, फॉरनर की अलग है, दिल्ली मेट्रो
दिल्ली मेट्रो ऑफिस टाइम में डिस्काउंट कम, नॉन ऑफिस में ज्यादा, 8 से 11 और शाम को 6 से 9 डिस्काउंट कम है, और नॉन ऑफिस में आज छुट्टी है, सुन आज छुट्टी है, आज तू जा मेट्रो में डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। नहीं सर, नॉन ऑफिस में डिस्काउंट मिलता है 20%, ऑफिस में 10%। गलत बात है, बल्कि ऑफिस में ज्यादा दो ना, ताकि और लोग ट्रैवल कर रहे, पता है मजबूरी है तेरी, थोड़ा तो डिस्काउंट के चक्कर में, सर मैं लेट आऊंगी, सर मैं अभी डिस्काउंट कम मिल रहा है, मैं आऊंगी तब सर डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, तो एक काम कर, तू गरीब बैठा पूरे डिस्काउंट ले ले, किराया बचाओ। आप देखना संडे को या आज क्रिसमस जब छुट्टी होती है डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, नॉन ऑफिस टाइम में डिस्काउंट ज्यादा, ऑफिस में डिस्काउंट कम, बेदवा लड़ लो, लड़ लो जाओ। नहीं नहीं एक बात बता, छुट्टी वाले दिन बंदा अपनी गाड़ी वाड़ी निकालता है, मेट्रो में कौन ट्रैवल करता है, उस हिसाब से रश नहीं होता जिस हिसाब से जैसे रश होता ऑफिस टाइम में, है ना। अब तो कोविड का चक्कर है, नहीं तो इतने लोग भर जाते थे जो गार्ड है अंदर, ऐसे मुझे अभी तक एक मिनट क्या बात याद करा दी तूने, कोई साउथ इंडियन कपल था, साउथ इंडियन कपल था तो वो मेरे से पूछ रहे थे ये राजीव चौक पे, कह रहा कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैंने क्यों, कह रहा पूरी दिल्ली खाली हो रही है। एक साउथ इंडियन कपल मेरे से पूछ रहा था कोई प्रॉब्लम है, लोग सारे भाग रहे हैं, मैं कहा व्हाट हैपेंड, कह रहा नहीं इट सीम्स ऑल आर रनिंग। तो मैंने अपने मन में बोला, मैं कहा बेटे थोड़ा पीछे हो जा, देखो भीड़ अंदर रह जाएगी, तेरी बुड्ढी यहाँ रह जाएगी, बुड्ढे तो उधर, तेरा सीन होगा बिल्कुल। ये रूटीन अफेयर है, इतनी रश, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भेदभाव, कितने पॉइंट हो गए, 10 हो गए। एक बार दिखाना था, चुप रहना, सेलर हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, एंट्री एक्सिट हो गया, मेकर हो गया, एफओबी बात हो गई, एड की बात हो गई, नॉलेज बराबर, एक मिनट, प्राइस हो गया, नॉलेज, मोबिलिटी, मेकर, यस वो रह गया प्राइस, ठीक है, एग्जांपल ग्राफ लिखना, नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल is equal to post office, example is equal to post office, comma IGL gas pipeline, IGL gas pipeline, next point graph नेक्स्ट पॉइंट, अभी ग्राफ उनको आते नहीं, इकट्ठे करवा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, लिख ले, मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर, लिख ले बेटा मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर, देखिए बेटा मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर, लिख लिया ऑनलाइन वालों ने भी। थोड़ी सी बातें कम करेंगे, अच्छी बात रहेगी। सुन सुन मेरी बात, सब्स्टिट्यूट दूर के ऑप्शन होते हैं, पास के ऑप्शन नहीं होते। वंश मेरे को देख, दूर के ऑप्शन होते हैं, पास के ऑप्शन नहीं होते, तुम भी बताओगे। हमें ना सीपी जाना है, एक ऑप्शन है मेट्रो,
एक है कैब, एक डीडीसी की बस, सुनो बस सीपी आ रहा है, एक ऑप्शन मेट्रो पकड़ ले, अपनी कन्वेंस ले ले, ऑटो कैब, तो ये दूर दूर के ऑप्शन है। क्या मेट्रो में कोई हो रहा है? क्या मेट्रो में कोई हो रहा है? मतलब ठीक है, दूर के ऑप्शन है अलग अलग कैटेगरी के, एक मेट्रो में है, एक बस में है, एक कैब में, एक अपनी कन्वेंस, दूर के ऑप्शन है। सेम लाइन के ऑप्शन नहीं है। एक और, लेटर भेजनी है, पोस्ट ऑफिस कुरियर, पोस्ट ऑफिस अलग चीज है, कुरियर अलग चीज है। क्या पोस्ट ऑफिस में कोई और है? हमारे घर में पानी नहीं आता तो हम लोग केन मंगवा लेते हैं, केन बॉटल, केन बिस्लरी मंगवा लेते हैं दूर। क्या पाइपलाइन में कोई और है? पाइपलाइन में हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य दूर के ऑप्शन होते हैं, सेम कैटेगरी के ऑप्शन नहीं होते दूर। अच्छा चंडीगढ़ चलते हैं, ओए चंडीगढ़ चलेंगे, सुन चंडीगढ़ जाने का एक ऑप्शन है ट्रेन, बस, कैब, ओन कन्वेंस, एयरलाइंस, दूर दूर के ऑप्शन। भाई चंडीगढ़ जाने का ऑप्शन क्या है? एक अपनी कैब, अपनी कैब कर रहे, अपनी कन्वेंस, एयरलाइंस, रेल, दूर दूर के ऑप्शन। क्या रेल में कोई और है? रेल में कोई और है? सर कहने का मतलब ये हो सुमित, दूर कैटेगरी के ऑप्शन और सेम कैटेगरी ऑप्शन नहीं होते, दूर कैटेगरी सेम कैटेगरी ऑप्शन नहीं होते। तो पॉइंट नंबर टू था सब्स्टिट्यूट वाला, है बेटा? तो जा लिखा आदित्य बेटा, जा लिखा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, लिखियो जा लिखा कुमुश सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, लिखियो मैं जा लिखा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, उसके आगे लिखिए बेटा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, उसके आगे लिखिए बेटा लाइक रेल, एयरलाइंस, बस, अभी यूएस, एक एयरलाइंस है, एक ट्रेन है, एक बस है। और जहां लिखा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसमें लिखियो नो ऑप्शन, नो ऑप्शन इन कैटेगरी ऑफ ट्रेन, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन इन कैटेगरी ऑफ ट्रेन, नो ऑप्शन इन कैटेगरी ऑफ ट्रेन। सर कहने का मतलब है कि ट्रेन में ऑप्शन और कोई नहीं है, कि हम लोग इंडियन रेलवे की ट्रेन में बैठेंगे, हम बैठेंगे रिलायंस की ट्रेन में, जतिन की, पराशर की, समझ गया? अलग कैटेगरी की ऑप्शन है, सेम कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है। एक बार दोबारा देखो, मेरे को दोबारा देखो, आईजीएल गैस पाइपलाइन से नाराज हो गए, क्या किसी और की गैस लाइन पाइपलाइन डलवा सकते हो? है बेटा भाई तुम्हारी सर्विस बेकार है। तो दूर के ऑप्शन है सरेंडर, दूर के ऑप्शन क्या? सरेंडर, सही आ रहा हूं? सेम कैटेगरी का ऑप्शन ही होता, दूर का ऑप्शन होता है। क्या पाइपलाइन मोटर में कोई हो रहा है? दूर का ऑप्शन है बिस्लरी, केन, हम पोस्ट ऑफिस से नाराज हो गए, पोस्ट ऑफिस से नाराज हो गए, लेकिन दूर का ऑप्शन है कुरियर, ये ईमेल। क्या पोस्ट ऑफिस में कोई हो रहा है? बोलो, मेट्रो में कोई हो रहा है? रेल में कोई हो रहा है? तो दूर के ऑप्शन होते हैं सब्स्टिट्यूट, दूर के ऑप्शन सब्स्टिट्यूट, सेम कैटेगरी का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है पुत्र, इसमें लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, तो ये एक मिनट जरा पॉइंट में आना, जहां पर लिखा सब बच्चे आना, ऑनलाइन और फेस टू फेस एंट्री कैसे रोकता है? नहीं,
लीगल तरीका क्या है? कॉपीराइट। सुनो 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 एक मिनट रुको भाई, धीरे धीरे। कॉपीराइट, तुम सब चुप रहना। क्या लिखा? कॉपीराइट। इधर एक सुनना फिर लिख लेना। आपने देखा होगा बुक पे या डीवीडी पे लिखा होगा एसएससी कॉपीराइट। आप लोग कॉपी नहीं कर सकते, नहीं तो वो यस सर मेरी 23 बुक्स कॉपीराइट है। सुनना 23 बुक्स कॉपीराइट है। सचिन सर पूरे इंडिया में नहीं भागते, बता रहा हूं बेटा, आप भी कॉपी मत करना। सचिन सर की 23 बुक्स कॉपीराइटेड है। मैं कहां भागूंगा पूरे इंडिया में? किसी ने मेरी बुक कॉपी करी तो जो उसका कॉम्पिटिटर होता है ना वो फोन करता है, सचिन गाड़ी सर बोल रहा हूँ, सर ये देखो जी आपकी बुक में से फोटो कॉपी कराया है। तो मैं क्या होता हूँ अपने लॉयर को बोलता हूँ, जा बेटा शिकार आया लूट ले। ऐसे कंप्लेंट मानदार है बेटा, ऐसी कंप्लेंट आती है। सुन लो सर, आप भी अलर्ट मैं भी अलर्ट, कंप्लेंट ऐसी आती है। अगर मैं भी कॉपी करूंगा ऐसी होगा। मैं पड़ोसी पड़ोसी सेंटर जो चिड़ता है तेरे हमें ऐसी होती कंप्लेंट मानता ना, तो कॉपीराइट से पंगे मत लेना। डीवीडी पे लिखा होता है कॉपीराइट, गेम्स पे लिखा होता है, बुक्स पे लिखा होता है सी, तो इसका मतलब मालिक है ऑथर, उसे पूछ ले भाई। मैं कहा जाऊँ तमिलनाडु में पड़ोसी कोचिंग सेंटर कंप्लेंट हो रही सर ये एबीसी आपकी बुक कॉपी कर रहे हैं, सर ये देखो बच्चों को फोटो कॉपी करा कर पटा। मेरे पास एविडेंस आ गया, मैं फिर लॉयर को देता हूँ, बस वो एक अच्छा नोटिस बना के भेजेगा। हाँ सर इसलिए प्लीज सर मुझे कुछ नहीं करता, लॉयर वहाँ मिल जाता है और मेरा नाम बच जाता है, सर प्लीज कॉपी मत करो बेटा प्लीज, कॉपी राइट बुक्स पे डीवीडी पे। सर ये रजिस्टर्ड, ये क्या है रजिस्टर्ड, आप ये नाम यूज नहीं कर सकते रजिस्टर्ड। रिलायंस रजिस्टर्ड, टाटा रजिस्टर्ड, वोल्टास रजिस्टर्ड, ओजरन रजिस्टर्ड, आप नाम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो नाम रजिस्टर्ड है। अगर हमने एडविला रजिस्टर करा लिया और कोई कर पाएगा, ये क्या है कॉपीराइट रजिस्टर्ड, आप वो नाम यूज नहीं कर सकते। पैन इंडिया, कई लोग पैन वर्ल्ड करवाते हैं छुट्टी, कई लोग पैन वर्ल्ड कर, थोड़ा सा चुप रहेंगे मेरा फ्लो टूट रहा है, पैन वर्ल्ड भी करवाते हैं बता रहा हूं। मेरा फास्ट फ्रेंड आप तब थे भी नहीं, इसलिए क्या करा इसने चिप्स बनाना शुरू करे अल्फाबेट वाले ए बी सी, अब तो आते हैं अल्फाबेट वाले चिप्स शुरू करे, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, छोटे बच्चे लिख दे। अब आते हैं मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, 9-10 की बात बता रहा हूँ, सुनना 2009-10 बड़ा अच्छा काम चला उसका। जतिन मदान मेरा फास्ट फ्रेंड, कह रहा सचिन मैंने काम शुरू करा, मैं ऑल द बेस्ट यार, कह रहा यार कृपया भाई क्योंकि मैं यार बच्चों बता रहा हूँ मत किसी को, लेकिन गलती होगी इससे, अगर मेन नोटिस आता मैंने ठोक देता। पता नाम क्या रखा उसने चिप्स का? डिस्कवरी। नाम क्या रखा? डिस्कवरी। डिस्कवरी चैनल क्या है? रजिस्टर्ड। नोटिस आया ज्यादा नहीं बेटा 80 करोड़ रुपए का नोटिस है बस, सब सब कुछ बिग बिग आ गया, आज बेचारा जॉब कर रहा है, 80 करोड़ नोटिस आया। गलती होगी चेक करवा लेता अपने लॉयर से पूछ के, सर नाम रजिस्टर्ड तो नहीं है। हाँ एक गलती सर पलट के रह गया क्योंकि वो नाम क्या है रजिस्टर्ड। पैन वर्ल्ड डिस्कवरी चैनल पागल नाम और डिस्कवरी चलना, मेरे नोटिस मैं टोक देता, मैं पता नहीं चला बेटे में आ गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अभी सुन अगर आएगा तेरा मेरा कमाने का तरीका, कॉपीराइट डीवीडी बॉक्स पे रजिस्टर्ड नाम यूज नहीं कर सकते, ट्रेडमार्क वो वैसे ही होता है। अब सुन पेटेंट लिखा है, पेटेंट के ऊपर लिख पेटेंट किसको मिलता है? इन्वेंशन लिख, पेटेंट किसको मिलता है? इन्वेंशन जो आविष्कार करता है, पेटेंट किसको मिलता है जो इन्वेंशन करता है आविष्कार करता है? पेटेंट के ऊपर क्या लिखा? इन्वेंशन। मेरे को देख
पेटेंट इन्वेंशन, मेरे को देखेंगे आज से समाप्ति। सुन उत्तर, मैंने किसी चीज का आविष्कार करा। भाई सुन ले, मेरे पड़ोस में एक बच्चे ने किस्म बदली अपने अपने पापा की। अभी सलोनी आई नहीं है, लेकिन पहचान लेती है सलोनी, इसके पड़ोस में ही है, ये मेरे नेबर है। सुन पेटेंट, जो कोई आविष्कार करता है उसको गवर्नमेंट देती है पेटेंट सर्टिफिकेट 200 वर्ल्ड। पेटेंट मिलता है आविष्कार करने वाले को। इन्वेंशन डिपेंड करता है कितने साल का मिला, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, इंडिया में मिला वर्ल्ड का मिला। सुनो बहन, ये 1.5-2 साल हो गया कोविड को आए हुए, अभी तो 2-3 कंपनियों के पास है वो दवाई वैक्सीन की, पेटेंटेड है। ओके ओ हाना तो बोलो। अबे 2 साल हो गया बनाओ कमीनो, तो क्यों नहीं बना पा रहे बहन, क्योंकि वो पेटेंटेड है। ओके नहीं तो हर कोई शुरू होता है पेटेंटेड है, आविष्कार करेगा 2-3 में। ओके ऑनलाइन मारो, एसी का आविष्कार करा था कैरियर, किसने कैरियर, ये तो बच्चे था ओजन और जनरल, तो कभी एसी लेना ओजन से अच्छा नहीं, कैरियर से अच्छा नहीं भाई आविष्कार। उसके बाद पेटेंट होगा 5-10 साल का। कैमरा कोडैक आविष्कार पेटेंट होगा उस पेटेंट पीरियड में मोनोपॉली। उसके बाद मेरे पास 10 साल का पेटेंट है मोनोपॉली, उसके बाद तू भी आना, लेकिन 10 साल तो नोट छाप ली मैंने, क्यों मेरे पास पेटेंट 20 साल का, लेकिन तू 21वें साल आएगी। 20 साल तो नोट छाप दिए मैंने बहन, 21वें साल वो चीज की डिमांड ही नहीं रहेगी, कुछ और आ जाएगा। नहीं बहन पेटेंट एक बार ही मिलता है, एक बार रिन्यूअल का उत्तर पेटेंट एक ही बार मिलता है 3-4-5 साल का। अब मैं बताता हूँ मेरे पड़ोस की लड़की ने कैसे किस्मत बदली अपने अपने पापा की। बहन आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है ये मत सोचना, सुन अब मन में आता है सर ये तो साइंटिस्ट करते होंगे, सुन ले सर ये साइंटिस्ट करते होंगे, सुन लेना साइंटिस्ट करते हैं। 11th क्लास के बच्चे के दिमाग में आया पेटेंट शायद 12 साल का मिला है, इंडियन है, कि ये जो अटैची है उसके नीचे व्हील लगा लो, ये पेटेंटेड है पुत्र, अटैची के नीचे व्हील लगा लो, ये 11th क्लास के बच्चे के दिमाग में आया पेटेंट है 12 साल का, ले साइंटिस्ट। तो कोई भी यूनिक आइडिया है मुझे मत बता, नहीं तो मैं कॉपी कर लूंगा, मैं जगह बताता हूँ वहां से पेटेंट ले लियो, लोधी रोड सीजीओ कॉम्प्लेक्स भूल जा बता दूंगा, मेरे को मत बताइए चालू, तू मुझे बताए मैं जाके वहां ले लू। सर मैं हूँ सर, नहीं सर, सर पैसा अच्छी चीज नहीं होता, सर बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। शॉर्ट में बताता हूँ, शॉर्ट में मैंने बहुत पैसा, अरे सर विश्वास मत करना, मैंने बहुत अच्छा पैसा अरेंज करा अपने पिताश्री के लिए, फ्रेंचाइजी ला के दूंगा डीएचएल की फ्रेंचाइजी ला के दूंगा, डीएचएल कुरियर जगह किराए पे, नहीं तो ले लेंगे उसकी। सर तगड़ा अमाउंट था, पैसा अरेंज करा, अब एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, सारे मेरे इनपुट ले लिए, सारे इनपुट खोल ली उसी जगह पे, मैंने खोली नवरात्र में गाली खोल ली ले कमीना। तो सर ये जो पैसा है ना बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। 4 ब्लॉक सुभाष नगर में कोई भी यूनिक चीज जिसको तू प्रूव कर सके, नहीं वंशिका प्रूव कर, तू माना के बोले अंकल इमेजिन करो एसी ऐसा हो जाए हवा भी दे पैक भी हो जाए जेब में आ जाए, जिसको तुसी प्रूव कर सको, नहीं अंकल एक ऐसी कार है एक ऐसी बाइक है उसको फोल्ड करते जेब में डाल देते फिर हम ऐसे बड़े करते हाईवे पे जाते अच्छा सुनना बेटा देख क्या यूनिक समाप्ति करता हूं बिंदर। 4 ब्लॉक सुभाष नगर में, सुनो 4 ब्लॉक सुभाष नगर में एक बच्ची 8वीं 9वीं क्लास में होगी, सुन ले पेटेंट वंशिका, उसके ना पापा के बैक में प्रॉब्लम थी, उसके पापा के बैक में प्रॉब्लम थी, तो वॉश बेसिन में कैसे झुकते, वॉश बेसिन में उसने अपने पापा को बोला पापा
आप झुक नहीं सकते। एक काम करते हैं, प्लम्बर को बोलते हैं, सुन लीजिए पापा आप झुक नहीं सकते, बैक में प्रॉब्लम है। प्लम्बर को बोलते हैं, बहन आठवीं नौवीं क्लास की बच्ची थी, काहे की साइंटिस्ट, कहता है पापा एक काम करते हैं, प्लम्बर को बोलते हैं इसको ना बनवा देते हैं वॉश बेसिन को एडजस्टेबल, एडजस्टेबल आपके लिए नीचे, मेरे लिए मीडियम, मम्मी के लिए ऊपर, एडजस्टेबल। बैक में प्रॉब्लम है, आप झुक रहे हो, नीचे वॉश बेसिन, मेरे लिए ये हाइट, मम्मी के लिए ठीक हाइट। उसका पापा अपनी बैक पेन भूल गया, बच्चे का हाथ पकड़ा ले गया सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड पेटेंट ऑफिस, उस बच्ची को पेटेंट मिल गया, ज्यादा नहीं बहन 12 साल का। और पता पेटेंट किसने खरीदा है? जगुआर बाथ फिटिंग वालों ने, ज्यादा पैसे नहीं दिए, 80 करोड़ में दिए बस, 80 करोड़ में। कि बेटे आप पेटेंट क्या करोगे, हमें बेच दो। कहते हां अंकल 80 करोड़ में खरीदा है, शाबाश, सही ना। वैसे उस बच्ची ने गलती करी है, मेरा सा बंदा होता पार्टनरशिप करता, क्या करता 80 करोड़ में देकर साइड में कर रहा है, 12 साल का मिला गुड़िया को, मेरे साथ चालू होता, ओए पार्टनरशिप था 5% का पार्टनर, वर्ल्ड में, वर्ल्ड में दिल्ली 80 करोड़ में बेच दिया उसने। नहीं सर, उसने प्रोटोटाइप दिखाया होगा ना, प्रोटोटाइप दिखाया होगा, हाँ सब बनवा के लेके गए ना। बट ये पता है उसको मिला था 80 करोड़ खरीदा जगुआर ने। तो कोई भी यूनिक चीज है उसका पेटेंट होता है, और 8-10 साल लाइफ लॉन्ग का पेटेंट है टच टेक्नोलॉजी, टच टेक्नोलॉजी एप्पल, टच टेक्नोलॉजी जो भी यूज करता है 5% एमआरपी रहेगा एप्पल को, लाइफ लॉन्ग मिली है पेटेंट एप्पल को, टच टच टच। बाय बाय क्लास वाइंड अप, बाय बाय। ज्यादा मतलब फोन फेंकने के आदत लगता है ना, फेंकने का।